सोए गाइस यार, आज सुबह सुबह मैंने ना मुसीबत मोल ले ली यार। सो हे गाइस यार, हो चुका हूँ मैं पूरा का पूरा रेडी भाई घास। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के ब्लॉग की हो गई है फिर से नए दिन से शुरुआत। तो चलो यार, आज के ब्लॉग को भी करते हैं फटाफट से शुरू। और आज के ब्लॉग में ना अभी घास निकालने जा रहा हूँ यार। घास निकालने बोले तो मतलब घास इकट्ठा करना है और उसकी पुलिया बांध के घर लेके आना है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मम्मी अभी पीछे से आ रही हैं। तो तब तक वेट करते हैं मम्मी का, जब तक गांव में चलता हूँ मैं, भाई लोगों के साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद हम घास के लिए जाएंगे और घास निकाल घास के घास को लेके आएंगे। फिर उसे ना लगाना भी है यार। तो ये आज हमारा फाइनल काम हो जाएगा घास वास का। इसके बाद घास का काम नहीं, कल से शायद हो सकता, कल या परसों से हम फिर साइकिल राइडिंग स्टार्ट करें, अलग अलग जगह जाके, अलग अलग प्लेस पर जाके। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं गाँव में। और बाकी तो यार ये देखो तुम, वाटरफॉल ही समझ सकते हो उसको यार। वो देखो तुम, है ना, गजब लग रहा भाई। वो पाइप फट रहा था पानी का, पर जब उसमें जो पानी की बूंदें बरसाते हो रही ना, अल्टीमेट हो रही भाई, अल्टीमेट। तो मस्त वाला लग रहा है वो झरना टाइप का सा लग रहा ना, पर वो झरना नीचे बहते ही झरना ऊपर की तरफ बह रहा है, उल्टा झरना है ये। तो हम निकलते हैं फटाफट यहाँ से गाँव में, और गाँव में थोड़ा सा अपना टाइम पास करते हैं। फिर उसके बाद घास घूस लेके घर की तरफ आते हैं। फिर घर में देखेंगे, अगर टाइम लगेगा तो मैं कहीं और दूसरी लोकेशन पे जाऊंगा। और बाकी आप वीडियो में देख ही लेना क्या क्या हो रहा है आज का सीन। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव के साथ। तो चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। ये है अपने गांव का रास्ता, रास्ते की तो पूरी भसड़ मची हुई है, देख रहे हो कितना गंदा रास्ता हमारे गाँव का। ये बोलना नहीं चाहिए है ना, पर जो हकीकत है वही है ना, साफ़ होने चाहिए रास्ते यार गांव के। ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, इसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी कंडीशन में, तो इसका रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अरे ये है कैमरा भाई साहब, कना कना क्या कना दूंगा पेंट पर। अरे हमारे गांव का पर्री है, अरे हमारे गांव का सुमन भाई है, वैसे तो मेरा बेटा है। चाचा को नमस्कार नमस्कार, कुछ करता है नहीं ये। अभी लॉक लॉक इन पर याद दे, अब दे यार। ये है हमारे गांव का सुमन भाई, देख दिखे ना भाई, दिखे ले पाते दे। हाँ यार, चिप लगा देते ना। हाँ चिप लगी यार। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से फटाफट गांव की तरफ, और गांव में चलते हैं। थोड़ा सा गांव को भी दिखाऊंगा आज आपको सिनेमैटिक्स। एक्चुअली मैं, तुम सिनेमैटिक्स तो बहुत सारे देख चुके होंगे गांव के, और इसके तो सिनेमैटिक्स मैं जितना दिखाऊं उतना कम है यार, क्योंकि अपना गांव है, अपनी जन्मभूमि है। तो इस जन्मभूमि को मैं जितनी बार दिखाऊँ ना उतना ही कम है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाँव में, गांव का एंट्रेंस पॉइंट पे आ गए, ये शुरुआत बन रही है। ये हमारे गांव का शुरुआत पॉइंट, अब यहाँ से पूरा का पूरा गांव लगेगा। बीचों बीच रास्ता है, बाकी दोनों साइडें मकान बने हुए हैं।
मैं यहाँ पर रुकता हूँ, रुकता क्या हूँ, यहाँ सबसे सीधा निकलता हूँ यहाँ से घर की तरफ, और फिर जब बन जाएगा वो, उसके बाद फिर यहाँ दोबारा खोलने के लिए आऊँगा। बाकी यहाँ से तुम सिनेमैटिक्स देखो यार, क्या अल्टीमेट सिनेमैटिक्स आ रहे भाई, गजब की जगह है ना। वैसे टॉप है हमारे गांव का, और हमारे गांव भी यहाँ से ना बढ़िया दिखता है, बस कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है गांव का इधर वाला, बाकी उधर सारा का सारा हिस्सा जो दिख गाँव का है ना वो दिख ही रहा है। मस्त लगता है हमारा गाँव। अगर हम उधर के साइड से जाएंगे ना, यहाँ पर ये मंदिर है जो, इस मंदिर से बहुत अच्छा वाला सिनेमैटिक्स आता है, तो कोशिश करता हूँ मैं वहाँ जाने की और वहाँ से सिनेमैटिक्स लेने की। तो ये है हमारे गांव का टैंकर पानी का, तो ये टैंकर ही है, और एक टैंकर हमारे गांव का, एक उधर भी है दूसरा जो सबसे पुराना था, जब जिससे हमारे गांव में मेन लाइन है जो हमारे गांव की, वो दूसरा है। ये अभी रिसेंटली बनाया है, इसे मतलब समथिंग एक साल लगभग लगभग हुआ होगा। तो इसके लिए जो पानी आता है वो यहाँ से आता है, ये हमारा गाँव का जंगल है पूरा का पूरा, ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये जंगल यहाँ से इस टैंक पर आता है, और जो वो पल्ला वाला टैंकर है ना उसके लिए पानी जो है, पल्ला वाला जंगल है हमारा, इसके बाद का जंगल, तो वहाँ से आता है। तो हमारे गांव में तो यार पानी की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे गांव के पानी की वजह से ना बहुत सारे गांव जी रहे हैं, सही बात तो ये है क्योंकि इस गाँव का पानी ना, हमारे गाँव का पोखरी गाँव है इधर सामने, जो मैंने आपको कल परसों जो अजीत डोवाल जी के गाँव से दिखाया होगा ना पोखरी गाँव, तो उस गाँव तक पानी जाता है। तो हमारे गाँव में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, दबा के पानी है, इतना पानी है कि देख लो अभी भी इतना ओवरफुल पानी ना जो है ना, ये ओवरफुल पानी, इतना पानी से अभी दो टैंकर और भर सकते हैं यहाँ पर, और दो टैंकरों का पानी जमा करके ना कई गांवों के लिए सप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारा जो जंगल है ना भाई, हमारे गांव के लोगों की बहुत मेहनत है इसको बचाने के लिए। तो पहले हमारे गाँव के लोगों के लिए स्पेशली एक थैंक्स और लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि उन लोगों की मेहनत है जो कि यहाँ बांज बुरांस के जो पेड़ बचे हुए हैं ना, उनकी वजह से ना यहाँ बहुत पानी है, और इस पानी की वजह से ना बहुत लोग, बहुत गांव के लोग जी रहे हैं। तो यार ये वाला खेत है हमारा, और मम्मी भी आ गई हमारे नीचे से, ये माँ भी पहुंच गई हमारे खेत में, हैं हर तक गए टैंक में पानी बंद करो यार। तो यार गाइस ये अपना घास, ये है अपना नलो एक हमारा खेती ही है बस, जो पर्सनल खेत है हमारा, बाकी हम लोग सब लोगों के खेत कर रहे हैं यार। ये हो रखा देखो अभी तो गीला हो रखा होगा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मनीषा।
बना दी है भाई, घी के लिए पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। वाह, ये देख दे, इसे कहते हैं नॉन, बोले तो मतलब मक्खन यार, भयंकर वाला हो रखा ना, मजा ही आ गया भाई साहब। तो गाइस यार आपने वीडियो देखी ली होगी, तो पहले ज़माने में ना हमारे घर में पर्या कहते थे उसको, तो पर्या ना या तो पहले तो थे लकड़ी के, गेंठी का पेड़ होता हमारे गांव में एक, तो गेंठी के पेड़ के पर्या बनाए जाते थे। फिर उसके बाद चिकनी मिट्टी वाले आए, अब लोग एडवांस हो गए, तो अब लोग ना प्लास्टिक के डब्बों में, लोग तो पता नहीं बट हम यार प्लास्टिक के डब्बों का यूज़ करते हैं छाछ को बनाने के लिए, मतलब घी बनाने के लिए। तो अब ऐसा ऐसा हो गया, तो पहाड़ों की जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत कम अब देखने को मिलती है, क्योंकि सारे के सारे लोग धीरे धीरे करके अपडेट होते जा रहे हैं, तो जो उनके घर में फैसिलिटीज़ होती है ना वो सारे के सारे वो लोग क्या है यूज़ करते थे उनको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही हसीन वादियों के हसीन पहाड़ों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।